हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ किचन से, क्योंकि आज मैं आपको किचन के ही दो बहुत ही ज़रूरी आइटम बनाकर दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, जो दोनों DIY में करके दिखाने वाली हूँ। ये डेली इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं और बहुत ही उपयोगी हैं और आपके काम को बहुत आसान कर देंगे। चलिए, चाय बन गई है और चाय को डाल लेते हैं कप में और उसके बाद हम ये दोनों DIY बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन्हें बनाने के लिए मैं एक टॉवेल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। कोई भी पुराना टॉवेल ले सकते हैं, बट वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ये जो टॉवेल मैंने इसमें यूज़ किया है, ये मैंने पतला टॉवेल लिया है। अगर आपके पास पतला टॉवेल नहीं है तो आप बेडशीट का पीस ले सकते हैं इसके लिए। ये देखिए, इस तरह का तौलिया मैंने लिया है इसके लिए, और साथ ही मैंने इस तरह का आटे का बैग लिया है। इसे मैं दोनों साइड से कट कर रही हूँ इस तरीके से, और इसमें से हमने एक लंबा पीस निकालना है। यहाँ से भी इसको ट्रिम कर लेते हैं। और ये देखिए, टॉवेल को भी दो हिस्सों में कट कर लिया मैंने। एक छोटा रखा है और एक साइज इसका जो है बड़ा रखा है। तो छोटे वाले हिस्से को हटा देते हैं, इसका हम यूज करेंगे बाद में। बड़े वाले पीस को हमने लिया है और इस तरह से बोरी के ऊपर रखा है इसको, आटे का जो पॉलीथीन है उसके ऊपर रखा है, और इसका साइड में जो धागे निकले हुए हैं उनको भी हटा दिया है। बोरी को भी ट्रिम कर लिया है इसके नाप से। ये देखिए, ये थोड़ी सी बड़ी है टॉवेल, तो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इसको। और बस इस तरह से सिलाई लगानी है इसमें चारों तरफ, बीच में कोई सिलाई नहीं लगानी है। और ये जो पॉलीथीन है इसको इस तरीके से कवर करना है। वाइट पार्ट इसका बाहर की तरफ रखना है, प्रिंटेड हिस्सा है इसको अंदर की तरफ दबा देना है। चारों तरफ सिलाई लगा दी है इसमें, और ये देखिए एक शीट बनकर तैयार हो गई है। और इस शीट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किचन में, सिंक के पास इस तरीके से बिछा दीजिए। आप इसमें बर्तन धोने के बाद इसके ऊपर रखेंगे तो जो पानी है इसके ऊपर रह जाएगा, और जो काउंटर है वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा और काउंटर आपका सूखा रहेगा। तो इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप बास्केट रख सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, एक बड़ा बर्तन लिया है मैंने और दूसरा पीस था जो टॉवेल का, उसके ऊपर इस तरीके से रखकर निशान बना लिया है। और अब हम दूसरी DIY शुरू कर चुके हैं। ये सर्कल बना लिया है इसमें से और इसे कट कर लेते हैं। आपके पास कोई बड़ी परात है तो आप उसे ले सकते हैं, उससे ये पीस और थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। मैं इसे छोटा ही बना रही हूँ, तो मैंने ये छोटा बर्तन लिया है। तो इस तरीके से एक सर्कल निकालना है इसमें से हमें। और ये हमने एक सूट का निचला हिस्सा लिया है इसमें से भी, हमने उसी के नाप से दो सर्कल निकाल लिए हैं। इन्हें हटा देते हैं अभी। और ये पीस हमने लिया है, इसको एक फोल्ड लगाया है, एक और फोल्ड लगा दिया है इसमें। ये देखिए, दो फोल्ड इसमें लगा दिए हैं। और ये मैंने ली है एक प्लेट, जो हॉट पॉट है उसका नीचे का जो सर्कल है उसके नाप से है ये। और ये बिल्कुल बीच में हमने निशान लगाया है, वहाँ से हमने इस तरीके से रखा है इस पीस को, और इस तरीके से नाप के हमने इसमें एक सर्कल बना दिया है। और साइड से भी हम इस तरह से गोलाई में निशान लगा रहे हैं, और इनको हमने इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद एक फ्लावर की शेप में आ जाएगा, ये देख इस तरीके से। और बीच में हमने फिर से एक सर्कल तैयार करना है इसमें। रफली ड्रॉ कर लिया है सर्कल को, और ये दोनों पीसेस हमने ले लिए हैं। इन्हें मैंने सूट के कपड़े में से कट किया है, आप किसी भी कपड़े में से ले सकते हैं, शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं इसके लिए। तो ये डबल पीस हैं, और इसके बाद हमने इस पीस को इसके ऊपर रखा है। और इस तरह से पिन ज़रूर लगा लें सिलाई करने से पहले, अदरवाइज़ जो कपड़ा है इधर उधर खिसकेगा और ठीक से सिलाई आ नहीं पाएगी। तो इसे अच्छे से सिक्योर कर लें पिन्स लगा करके, या कच्चे टाँके लगा लें पहले, उसके बाद आप सिलाई लगाएं इसके ऊपर। तो इस तरह से हम एक चपाती कवर बना रहे हैं छोटे साइज में, और इस तरीके से सिलाई लगा के थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर छोड़ना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, पिंस को निकालते जाएं और इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाते जाएं इसके ऊपर। तो पहले इसके चारों हिस्सों पर सिलाई लगानी है, और एक हिस्सा थोड़ा सा छोड़ देना है इसको सीधा करने के लिए। तो जो टॉवेल का कपड़ा है हम उसे यूज कर रहे हैं थिकनेस देने के लिए। अगर आपके पास ना हो तो आप बेडशीट का पीस ले सकते हैं,
बेडशीट का कपड़ा भी काफ़ी मोटा होता है, उसको इसके अंदर लगाया जा सकता है। और ऊपर से कवर करने के लिए आप दूसरा कपड़ा ले लें। ये देखिए, इसको ट्रिम कर लिया है हमने और यहाँ से ये ओपन है। ये जो इससे है, यहाँ पर भी हल्का हल्का सा कट लगा दें जिससे इसे ओपन करने में आसानी रहेगी। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करें इसके लिए। ये देखिए, इस तरीके से इसे पूरा अच्छे तरीके से सीधा कर लें और फिर से हमने सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। अभी हमने सर्कल के ऊपर भी सिलाई लगानी है और इसके जो चारों किनारे हैं वहाँ पर भी सिलाई लगा दी है पहले, और अब हम सर्कल के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं जिससे ये चार हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और जो इसके अंदर हमने कपड़ा लगाया है टॉवेल का, वो भी फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो सारे थ्रेड्स को कट कर लेते हैं और ये पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अभी अभी कुछ सामान आया है, मैं पहले खोल कर देख लेती हूँ उसको क्या है इसके अंदर, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चपाती कवर को लगा करके। ये देखिए, कुछ मोल्ड्स हैं इसमें मेटल के। दो तरह के मोल्ड्स हैं ये। ये देखिए, ये कुछ अलग तरह के हैं। इनको खोल कर देख लेते हैं पहले। ये देखिए कितने छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत ही क्यूट हैं ये। तो ये काफ़ी सारे हैं और दूसरे इस तरह के हैं। ये देखिए, और इसके बाद इसे भी ओपन कर लेते हैं। इसमें रेजिन है और हार्डनर है। इन मोल्ड्स की हेल्प से हम कुछ चीज़ें बनाकर दिखाएंगे आपको आने वाले वीडियो में। तो हम आ गए हैं किचन में और चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, इस तरीके से रखना है इसको हॉटकेस के अंदर। और ये देखिए, इसने किनारों को अच्छे से कवर कर लिया है, नीचे के हिस्से को अच्छे से कवर कर लिया है। और चपाती रखने के बाद नीचे से भी ख़राब नहीं होंगे, और किनारे जो टच करते हैं मेटल के साथ में तो वो ख़राब हो जाते हैं, वो भी ख़राब नहीं होंगे। और ये एक दूसरा पीस है बड़े साइज में, अगर आपने ऐसा बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हैं। बड़ा पीस बनाएंगे तो नीचे से भी कवर होगा, साइडों से कवर होगा, और उसके बाद आप इसे ऊपर से भी कवर कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसा आपने बनाना है, बड़ा या छोटा, दोनों ही यूजफुल है, दोनों ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये थे दो DIY। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।